थैंकफुल। ओके ओके, नहीं नहीं क्या। गुड मॉर्निंग गाइज, यार अब हम लोग निकल चुके हैं वाइजैग से, वाइजैग विशाखापट्टनम। अब यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पुरी की तरफ। तो पुरी की तरफ अराउंड 340 किलोमीटर्स है जो आप उड़ान लोगे, आई मीन सॉरी अपनी गाड़ी में जाएंगे यार। नहीं, गाड़ी उड़ा लो। 7000 फीट पे उड़ान के लोग हैं ये बोलना था। सही है बेटा, सही है, उड़ान ले रहे हो भाई, उड़ान ले रहे हो। ठीक है भाई, अभी तो बहुत भूख लग रही है, खाना खाएंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गाइस टुडे। सो वाइजैग को, प्यारी सी सिटी को बाय बाय करते जा रहे हैं। इज इट कॉल्ड अ स्टील सिटी? हाँ, ये स्टील सिटी है। विशाखापट्टनम को आल्सो स्टील सिटी बोलते हैं। बहुत सुंदर सिटी है यार, प्यार हो गया इस सिटी से भाई, बहुत सच्ची है। देखेंगे अगर कभी फिर चक्कर लगा तो इसको पूरा देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अभी जैसे लास्ट व्लॉग में बताया, कुछ हाफ हाफ ही देखा है, मेन पॉइंट्स कवर किए हैं। एकदम से इतना ठंडा सा लगा एसी। एक तो कल यहाँ पे दिन में एकदम से गर्मी हो गई थी बहुत तेज़, उसके बाद 3 बजे करीब बिल्कुल क्लाउडी हो गया, जो कि बारिश होनी थी, यहाँ पर बारिश हुई नहीं। बैंगलोर में बारिश हुई है जबकि अभी मानसून नहीं आया, कल बैंगलोर में बारिश हुई है। चलो अब आप मॉर्निंग व्यू इंजॉय करो विशाखापट्टनम सिटी का। नेक्स्ट प्लान हमारा जो है इज़ टू हैव सम ब्रेकफास्ट, बिकॉज अब भी जो बज रहे हैं, गौरव ने मेरी घड़ी चुरा ली है। अरे इतना करने की जरूरत नहीं है, अरे 7 बजने वाले हैं, खराब मत करना बस मेरी घड़ी। 7:45 हैं अभी, 6:45। 6 बजे निकलने का इरादा था बट हम लेट हो गए हैं, तो अभी हमें पिकअप करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो किलोमीटर डिस्टेंस है 391 और हमें कुछ 8.5 घंटे दिखा रहा है, गूगल 8.5 घंटे दिखा रहा है, तो फिर हमें कुछ 9 घंटे 10 घंटे लगने वाले हैं। एंड वी आर ट्राइंग कि भाई हम गूगल के साथ साथ ही चल लें, हम ज़्यादा टाइम को इधर उधर ना करें, जैसा कि हमने बैंगलोर से वाइजैग की 1000 किलोमीटर्स ड्राइव में किया था, बिकॉज उसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। और यहाँ पे टाइम देख रहे हो, अराइवल टाइम है हमारा 3:20 दोपहर का। हो गया, रेड लाइट है। यस, रेड लाइट है। वेणु गोपाल राव गेट, ये स्टेडियम है भाई जो आप देख रहे हो। मोड़ा है भाई इसने ट्रक चलते चलते। सिटी से बाहर निकलते ही यार क्या मस्त हाईवे आया है, स्पीड तो ऐसे खतरनाक वाली आप पकड़ सकते हो ना इस हाईवे पे, 6-लेन हाईवे और बड़ा मस्त लग रहा है।
भूख लग रही है यार बहुत जोर की। देखते हैं। हालत खराब हो रही है, कब खाना खिलाओगे? नो जवाब। ओके, उसकी खुद भी हालत खराब हो रही है। रानी ढाबा है यार, इसमें नाम इतने मस्त मस्त देते हैं ना, इनकी शक्लें देखो तो, वो कहते हैं ना नाम बड़े दर्शन छोटे, लिटरली वो वाला हाल होता है। अबे एक टिफिन सेंटर भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ऊपर चोटी पे कितनी ज्यादा फॉग हो रही है, और जैसे जैसे एरिया खुला आता जा रहा है ना, जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है वहाँ पे फॉग भी ज्यादा हो रही है। मेरी तो आवाज भी अभी भी भारी हो रही है। खाना नहीं खाया, रात को डिनर भी नहीं किया था। हाँ, रात को डिनर नहीं किया ना, एक्चुअली जो उस टाइम नोवोटेल में खाया था ना वही खा के बहुत हैवी हो गया था, तो हम लोगों ने इसलिए रात को खाना भी नहीं खाया, स्किप किया कि भाई पेट ज्यादा हैवी हो गया, तो आज ड्राइव भी करनी थी इसलिए स्किप किया। पहले सोच रहे थे रात को थोड़ा सैलेड वगैरह ऑर्डर कर लें, फिर हुआ यार बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इस बंदे को इतनी भूख लग रही है कि ये अपने नाखून ही खा रहा है। नाखूनी नाखून कर तो नाखून। ऊपर दे वॉक रहा है बेचारे को, ऐवें ही वो कर दिया। इनको क्या दिक्कत हो रही? कुत्तों की जुगलबंदी हो रही है। फाइनली यार कुछ तो खाने को मिला है, कोई श्री बालाजी करके होटल्स और रेस्टोरेंट है, एटलीस्ट कुछ तो मिले। भूख के मारे जान निकल रही है अब तो। अरे ऐसे से अगर मिल जाएंगे तो ले लेंगे, ऐसे से रास्ते पे, क्या मिल हाईवे पे ऐसे वाले। क्या लेगा? इडली के डोसा? नहीं नहीं डोसा नाश्ता इन साउथ दैट यू कैन गेट इज इडली वड़ा सुबह सुबह मॉर्निंग का, और मॉर्निंग में ही चाय ले लो बिकॉज वो ज़्यादा कड़ी हुई नहीं होती, कड़ कड़ के जो जलने वाला टेस्ट होता था ना चाय का वो नहीं होता। सो चाय फॉर सम रीज़न यहाँ पे सही थी, वरना मुझे कहीं की चाय पसंद नहीं आती है, बट यहाँ की चाय इतनी जली हुई नहीं थी, कड़ी हुई नहीं थी बेसिकली। थैंक गॉड कुछ खाने को मिला, अब बस निकलते हैं। गौरव अब उन्हें एक सब्सक्राइबर भी बना लिए। कौन? जो होटल वाला था उसका फोटो आएगा। सो यार 90 रुपये में ब्रेकफास्ट हो गया, जिसमें हमने दो प्लेट इडली वड़ा लिया, ऑलमोस्ट नहीं दो प्लेट इडली वड़ा और एक प्लेट इडली और दो चाय। सोचो 90 रुपये में कहीं कुछ मिल सकता है 90 रुपये में? आई थिंक ये हमारा अभी तक का ऑल टाइम लोएस्ट है जो हमने नाश्ते में किया है, वरना 150 130 120 तक आता है इडली का जो रेट होता है, इडली का जो ब्रेकफास्ट का रेट होता है। बहुत बढ़िया यार, मस्त, और इडली एकदम फ्रेश, वड़ा एकदम फ्रेश। बेटा लो।
हॉर्न मारो, फास्ट आ गया भाई, चलो चलो चलो। गाड़ी रो रही है, मुझे देख लो, मुझे देख लो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भाई आगे ट्रैफिक आ गया, स्लो कर लो। अब इसमें एक डिस्क्लेमर है भाई, कुछ वर्ड ऐसे कट किए गए हैं जो हमें यूट्यूब वीडियो में नहीं दिखाने चाहिए। यो सट्टा ना मिला। मंच तो नहीं है, क्रंच चलेगा? अच्छा चल क्रंच दे दे विदाउट एम। क्रंच दे दूं विदाउट एम? ये क्या होता है भाई? क्योंकि इसमें चॉकलेट नहीं है ना, तो क्रंच ही दे दे। एम ओह भाई साहब, यार आंध्रा की कोस्टल लाइन बहुत बड़ी है। कम से कम हम लोग मतलब अभी चले हैं 1200 किलोमीटर हो गए टोटल बेंगलोर से। अरे मुबारक है, 1200 किलोमीटर हो गए। रास्ता दे दो भाई साहब, इतने हेवी व्हीकल्स जा रहे हैं। अरे ये पीछे भी एक और आ रहा है, फंस गए हम। मैं तो फंस गई। स्पीड पे इतनी तेज आ रहा था, इसको आगे दिख रहा है गड्ढा है, फिर भी इतनी स्पीड पे आ रहा है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। पूरा पैकेट खत्म कर दिया, ये होते बेशरम, नो शेयरिंग नो केयरिंग। मंच दी होती तो मैं दे देता। मुझे पता चल गया आप मुझे कितना प्यार करते हो। चलो नहीं खा लो प्यार, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये प्यार। हम ईस्ट कोस्ट लाइन के साथ साथ ही चल रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि भाई अपनी गोली, अपनी होंडा सिटी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया यहाँ तक पहुँची है। क्या फीलिंग आ रही है गौरव? अभी हम तो एक नए स्टेट में जा रहे हैं जो हम आज तक कभी नहीं गए हैं। गौरव और मैं दोनों ईस्ट कोस्ट में नहीं आए हैं कभी भी। दो नहीं मतलब मैं आई हूँ, मैं बचपन में आई हूँ, मैं पूरी भुवनेश्वर गई थी,
बस उतना ही गई हूँ। और एक बार ही हम लोग गए थे घूमने दार्जिलिंग वगैरह, और कुछ हमने ईस्टर्न कोस्ट में देखा ही नहीं हुआ है। तो मतलब ओडिशा तो हम कभी नहीं आए, चाहे भूल के भी नहीं आए, कभी नहीं आए। और बाय रोड तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं, वैसे भी नहीं आए भाई। ये फीलिंग ही ना डिफरेंट लेवल की है, बता नहीं सकते। बस अभी क्रॉस करने वाले हैं, हो सकता है आधे घंटे में क्रॉस करते हैं। कितना घंटा लगेगा? 5-5.5 घंटे में तो हम कोलकाता ही पहुंच जाएंगे। कोलकाता बोल रही हूँ, भुवनेश्वर या पुरी पहुंच जाएंगे। पुरी लगाया हुआ शायद, पुरी पहुंच जाएंगे। और वहाँ पे कोई होटल नहीं मिल रहा है यार, पता नहीं क्या भसड़ मची हुई है वहाँ पे। booking.com, Agoda देख लिया, MMT देख लिया, Airbnb देख लिया, बुकिंग ही कैंसिल करे जा रहे हैं। अब जाके ही देखते हैं क्या मिलना है क्या नहीं मिलना। बीच में हाईवे चल रहा है और आसपास देखो जरा, खुले मैदान है पूरे, देख रहे हो? ये लेफ्ट देखो और ये राइट देखो, और बीच में चल रहा है हाईवे। मस्त लग रहा है यार, फीलिंग अलग लेवल की है। भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी जो मैंने शॉर्ट्स आपको दिखाए हैं ना, 120 की स्पीड पे मैंने अपना हाथ बाहर निकाल के गाड़ी में से ये शॉर्ट्स लिए हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट बनता है, वीडियोस को शेयर करो अगर हमसे रिलेट कर पा रहे हो, हमारे स्टाइल ऑफ ट्रैवल से रिलेट कर पा रहे हो। निकलो 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 यहाँ से भाई, इतने बड़े ट्रेलरों के साथ मत चला करो। ये देखो, इस तरफ है आंध्र प्रदेश और दूसरी तरफ है ओडिशा। पहुंच गए हैं हम ओडिशा। टोल आ गया भाई, टोल आ गया। यस यस, यू पे, वेलकम टू ओडिशा। आर गोली हैज रीच्ड ओडिशा फ्रॉम बैंगलोर टू ओडिशा। वी आर सुपर डुपर हैप्पी। केमना छो भुवनेश्वर, केमना छो तो उधर गए, कलकत्ता। ये कोलकाता है, बंगाली में पहुंचे। ये पहुंच गए ओडिशा, पहुंच गए, पहुंच गए। सोलर पैनल लगाए हुए हैं देखो बीच में, और खुला एरिया, पता है हाईवे के आजू बाजू सारी जगह खुला एरिया। बहुत लंबा हाईवे था यार ये, कितना हमने तो ऑलमोस्ट लाइक 1100 किलोमीटर हमने इसी में चलाया है। भाई हमने ना इंडिया के हाईवे नाप लिए, NH-44 तो पूरा फुल K2K करके आए हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी हो चुका है। NH-16 भी नाप दिया हमने। अब देखो कहाँ नापते हैं यार। और क्या हम कभी इंटरनेशनल जा पाएंगे? यहीं से जाना, वहाँ कहाँ जा रहे हो? उधर से जाना है, इधर से जाना। भाई क्या हो गया, आंखें बंद हो गई है? जा सकते हैं, वो जा रहे हैं उधर से। गाड़ी निकलेगी उधर से? निकल जाती है। ये इसका वो था, टोल होता है जो इनका MCD वालों का, MCD का MCO। इस एरिया में ट्रक ही ट्रक हैं सारे, और बड़े बड़े ट्रेलर ट्रक चल रहे हैं। रोड खराब हो गई भाई। सही बात है, रोड खराब हो गई भाई, रोड पैची पैची हो गई है अब तो। वेलकम टू ओडिशा, वेलकम टू ओडिशा। यस, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, हमें अभी वहाँ बजरंग बली दिखे तो हम जय बजरंग बली कर रहे हैं। गौरव को नहीं दिखे इसलिए गौरव ने नहीं किया। आपको भी मैंने दिखाया ना बजरंग बली थे, इसलिए मैंने जय बजरंग बली बोला। गौरव, हम वाइजैक से तो निकल गए, बट वाइजैक का आपने खर्चा नहीं बताया। अगर बैंगलोर से वाइजैक आ रहे हैं तो पेट्रोल का खर्चा अराउंड 5000, होटल स्टे 2 nights का 3000, खाने पीने का खर्चा तो हर किसी का अलग होता है, सो अराउंड 10,000 या 8-9,000 में हमारा हो गया 2 nights 3 days वाइजैक का, इस तरीके से था। और एंट्रेंस फीस तो यार आपकी 1000-1500 लगनी ही लगनी है, इससे कम में नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी हमने तो मिनिमम डेस्टिनेशंस वहाँ पे कवर किए हैं। हाँ, अगर आप जैसे आपको ये सब नहीं करना है, जैसे वो क्या गंडोला राइड है,
केबल कार राइड और वो सब आपको ट्रेन राइड नहीं करनी, पैसा बच जाएगा काफी। ट्रेन राइड ही 100 rupees आई थिंक, ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने कॉस्ट बताई हुई है। ये था हमारा बैंगलोर से वाइजैक का टोटल एक्सपेंस। रोड कंडीशन सब मैंने ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर दी थी। रोड्स अभी तक बहुत अच्छी मिली हैं, कहीं इतना वो नहीं था। कहीं कहीं जगह डाइवर्जन्स थी, वो थोड़ा बहुत तो होता ही है, हाईवेज पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। 5-6 साल बाद जब ये सब फ्लाईओवर्स, ये आंटी भी महान है, 5-6 साल बाद जब सारे फ्लाईओवर्स बन के रेडी हो जाएंगे ना, तब तो यार रोड ट्रिप्स करना और मक्खन वाला काम हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली है। सिटी में आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्लाईओवर्स ही फ्लाईओवर्स पकड़ो और हो गया काम स्ट्रेट अवे। रिकॉर्डिंग कंप्लीट, थैंक यू। यार ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है यार, हर बारी जरा सा कोई झटका लगता नहीं है, ऐसे वो छोटे छोटे से बम्प्स नहीं आते, इमरजेंसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी। इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, देखते हैं क्या है, अभी तो हमें भी नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। अपनी ही रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, गौरव अपनी वीडियो रिकॉर्ड करे जा रहे हैं। हम अपने ही गलती से अपने ही वीडियो रिकॉर्ड करे जा रहे हैं। ये देखो ये SSC भी आती है ना चीजें, उसमें भी ये इमरजेंसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है, थोड़ा सेंसिटिव है। यहाँ पे भी लाइट हाउस है, रोड पैची है, स्टेट हाईवे जैसी रोड होती है वैसी है, गोपालपुर बीच की अप्रोच रोड। अपनी फेमस बकरी चाल और भेड़ चाल, भेड़ चाल है, भेड़े नहीं है ये, बकरी है। पहुंच गए भाई बीच साइड, दिस इज गोपालपुर सी। ओले ये तो बंद है, अब क्या करोगे, ये तो बंद है। ड्राइविंग ऑन बीच सैंड, ये है गोपालपुर सी, हम गलत रास्ते पे हैं, आई मीन आगे से रास्ता बंद है। टायर मार्क्स देख रहे हो जरा, दिस इज़ गोपालपुर बीच गाइस, उड़ीसा का बहुत ज़्यादा पॉपुलर बीच है। अभी हम पुरी और भुवनेश्वर नहीं पहुँचे हैं, सफाइयाँ चल रही हैं यहाँ पे कुछ। ऑसम, अपनी गोली खड़ी है उधर, गोली पहुँच गई है भाई गोपालपुर बीच इन उड़ीसा। हाउ डज इट फील गौरव जी? बस चलो आई नीचे जाए, मेरे तो रेत में पैर डालने का मन नहीं है मेरा। यार नीचे मिट्टी में तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि अभी धूप 12 बज रहे हैं और तेज है, रेत जल रही होगी। वो लाइट हाउस कहाँ है? अरे लाइट हाउस चलो वहाँ चलते हैं। अरे देखो ऊपर चढ़ के वहीं पे, ओहो डांस भी हो रहा है भाई, डांस ही हो रहा है। मैंने भी हरा पहन रखा है। यहाँ पे वहाँ पे लाइट हाउस भी है, यहाँ पे वहाँ पे वाह, वहाँ पे लाइट हाउस भी है, बट परमिशन नहीं है ऊपर जाने की, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। चलो भाई गर्मी के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं, बिकॉज अभी भी और 150 किलोमीटर हमें जाना है फॉर पूरी। हो सके तो रास्ते में चिल्का लेक भी करते हुए जाएंगे, लेट्स सी, अभी सोचा नहीं है। यहाँ पे देखो सब फार्मिंग वगैरह हो रही है। अब हम निकल रहे हैं चिल्का लेक
का व्लॉग यहीं तक रखते हैं. व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, सो लेट्स स्प्लिट इट इन टू. एंड अब जो रेस्ट ऑफ द डे है हमारा वो नेक्स्ट व्लॉग में कवर होगा. सो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना. इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरीज चेक कर सकते हो. अगर आपने लाइव स्टोरीज नहीं देखी तो एक हाईलाइट क्रिएटेड है 9000 किलोमीटर्स रोड ट्रिप का, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया कुछ इस तरीके का करके हाईलाइट है वहाँ पे. सो आप वो चेक कर सकते हो, उसमें सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी, रील्स फोटोज बहुत सारी गई हुई हैं. गो एड एंड चेक इट. एंड यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल जो है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो जाके चेक कर लो, उसको सब्सक्राइब कर लेना. एंड गाइडिंग गियर्स को भी सब्सक्राइब करते जाना. आपको हमारी ट्रैवल वीडियोस कैसी लग रही है ये जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में. एक चीज बता दूं यार, गर्मी बड़ी भयंकर हो रही है.